मम्मा आज आप क्या बना रही हैं? बेटा मैं आज पालक गोश्त बनाने लगी हूँ। पालक को मैंने अच्छी तरह अब साफ करके काट लिया है, तो अब इसको मैं धो के 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। देखें व्यूअर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने पालक अच्छी तरह धो के चूल्हे पे चढ़ा ली है। इसको 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और बाकी फिर उतनी देर में दूसरा सामान बना लूँ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें पालक हमारी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है। अब इसको मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन में, क्योंकि पानी इसका सारा रिमूव करना है। तो अब इसको करेंगे ग्रेट। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मैंने पालक ग्राइंड कर ली अच्छी तरह, ये मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह काट लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 3 से 4 चम्मच है, और ये 3 अदद टमाटर थे, 4-5 सब्ज मिर्चें थी, और ये 3 अदद मैंने वैसे रख ली हैं, ये मैं बाद में डालूंगी। और ये 1 किलो चिकन लिया है, नमक, हल्दी, रेड मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, और ये मैंने लिया है कुछ साबुत मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, और ये तेज़पात। तो आइए बनाते हैं मज़ेदार पालक गोश्त शादियों वाला। तो जी व्यूअर्स, ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम डालते हैं पालक जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। पालक को हम करेंगे फ्राई 5 से 7 मिनट तक, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये जब तक हमारी पालक तैयार होती है उतनी देर हम इधर चिकन को तैयार कर लेंगे। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया था, तब इसे मैंने डाले हैं प्याज। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, गोल्डन हुआ है अभी। तो इसमें अभी मैं डालूंगी टमाटर और सब्जी मिर्ची। और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये देखें हमारी पालक भी, देखें पालक भी हमारी साथ साथ फ्राई हो रही है। पालक को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका सारा पानी खुशक ना हो जाए। फ्राई करने का यही फायदा होता है, इसका पानी खुशक करेंगे सारा, उतनी देर हमारा गोश्त भी तैयार हो जाएगा, फिर उसमें पालक ऐड करेंगे। ऐसे आप भी बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है पालक। तो मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, रेड मिर्चें और नमक। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, फिर इसमें मैं शामिल करूंगी चिकन। मसाले को अच्छी तरह भुने, मसाला अच्छी तरह बना हो तो खाना अच्छा मज़े का बनता है। देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो गया है, मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है, अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। एक किलो मैंने चिकन लिया था और 2 किलो मैंने पालक ली। अब गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे
और इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। और ये देखें पालक भी हमारी फ्राई होने वाली है। बस अब इसमें मैं शामिल करूंगी दूध। अब इसमें मैं दूध शामिल करूंगी। पालक हमारी अच्छी तरह भुन चुकी थी, अब इसको दूध में पकाएंगे, तब तक हमारा गोश्त भी रेडी हो जाएगा। दूध डालते वक्त आंच हल्की कर लें बिल्कुल नीचे से, क्योंकि हल्की आंच पे दूध डालते हैं। जो स्वादत मसाले मैंने रखे थे वो ऐड करूँगी, तेज़पत और ये दो बड़ी इलायची, तीन अदर छोटी इलायची और ये दालचीनी के टुकड़े, ये सूखा धनिया और ये गरम मसाला। सारे साबुत मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। और अब इसमें मैं दही शामिल करूंगी। एक पाव मैंने दही डाला है इसमें, आंच नीचे से हल्की की हुई है। अब इसका दही में पकाएंगे। देखिए कितनी प्यारी खुशबू अभी से आ रही है और कितनी प्यारी लुक आई है। जी व्यूअर्स, ये देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, तो गोश्त को फ्लेम हल्की कर देंगे इसके नीचे, तो पालक का पानी खुशक कर लेंगे। ये देखें पालक में मैंने दूध डाला था, अभी उसमें पानी काफ़ी है, तो अभी पालक का पानी खुशक करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। आप मिलते हैं पानी खुशक करने के बाद। रिवर्स अभी चेक करते हैं इसका पानी खुशक हो गया कि नहीं। ये देखें ऐसे प्लेट में डालें, अगर पानी नहीं निकलता तो इसका पानी सारा खुशक हो चुका है। ये देखें अभी इसमें से पानी निकल रहा है, तो अभी मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर और भूनूंगी। इसका पानी अच्छी तरह खुशक करके फिर इसमें ऐड करना है, ये ख्याल रहे। देखिए व्यूअर्स चिकन हमारा तैयार है, अब इसमें मैं पालक ऐड कर दूँ। पालक का पानी मैंने सारा खुशक कर लिया था, ये देखिए कितनी मजे की पालक गोश्त है। और आप इसमें मैं शामिल करूंगी सब्जी मिर्ची। और इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, फिर 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल बताती हूँ। 10 मिनट इसको पकने देंगे। जी व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम करते हैं चेक इसको। ये देखें पालक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, शादियों वाला टेस्ट आ रहा है, तो आप भी इसी तरह ट्राई करें, पालक फ्राई करके दूध दही शामिल करके पालक बनाएं। देखें कितनी मज़े की हमारी पालक रेडी है। तो अभी हम फ्लेम कर देंगे बंद। ये अभी हम बनाने लगे हैं चावल, सादा चावल उबले हुए। अभी हम वाइट चावल तैयार करेंगे, इसमें मैं ये डालूँगी थोड़ा सा मसाला, ये बादियान का एक फूल, एक बड़ी इलायची और दालचीनी और कुछ काली मिर्चें हैं। एक कप ऑयल आएगा तो फिर इसमें चावल डालूंगी। अभी नमक, ये चेक करते हैं पानी को, हमारे बॉयल आ गए
तो अब इसमें मैं एक आधा लेमन जूस डालूंगी। इससे चावल जो है ना हमारे निखरे निखरे बनते हैं, चावल हमारे जुड़ते नहीं हैं। तो अब इसमें मैं चावल ऐड करूंगी। अभी चावलों को बॉईल करेंगे, फिर जब हमारे चावल तैयार होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावल हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसका पानी उतार लूँगी और फिर 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाऊंगी और चावल हमारे भी हो गए हैं रेडी। देखिए व्यूअर्स, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, क्योंकि ऑयल मैंने पहले नहीं डाला था। और अब इसमें मैं डालूंगी फूड कलर और 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। व्यूअर्स ये देखें, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने प्यारे चावल बने हैं। और ये हमारा पालक गोश्त भी देखें कितना प्यारा बना है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आपको भी आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।